सीतापुर में धर्मु नाम का डाकिया रहता था। वो बड़ा ही ईमानदार और नेक इंसान था। गांव के सभी लोग उस पर बहुत भरोसा करते थे। गांव के जितने भी लोग थे सब धर्मु डाकिया से ही पत्र भेजते थे, क्योंकि वो समय पर पत्र पहुंचा देता था। अरे धर्मु भैया, कैसे हो? बढ़िया हो बहन, आप बताएं कैसी हैं? सब बढ़िया है भैया। आपने मेरे बेटे का पत्र मुझे समय से पहुंचाया था, बड़ी मदद मिली हमें। मेरी बहू को अभी बच्चा हुआ है, उन्हें मेरी जरूरत थी। अगर जल्दी से पत्र नहीं मिलता तो उन्हें बड़ी दिक्कत होती शहर में अकेले बच्चा संभालने में। धन्यवाद आपका। अरे बहन, ये तो मेरा फर्ज था, कोई बात नहीं। इतना कहकर धर्मु वहां से आगे चला जाता है। मीरा दीदी, आओ बाहर आओ, तुम्हारा पत्र ले आया हूँ। लाओ भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पति इतनी दूर फौज में काम करते हैं, अगर तुम ना होते तो मैं कैसे उन तक अपना पत्र भेजती और कैसे उनके पत्र मुझे मिल पाते। अरे दीदी, यही तो मेरा काम है, जो अपने परिवार से दूर रहे हों उनको पत्र के जरिए मिलाना। धन्यवाद भैया। उसके गांव में एक सुरेश नाम का आदमी रहता था। सुरेश भी धर्मु को जानता था, पर उसने कभी भी किसी को कोई पत्र नहीं भेजा था। एक दिन सुरेश बहुत ही दुखी था, क्योंकि उसकी माँ बहुत बीमार थी और शहर के सरकारी अस्पताल में एडमिट थी। वो बहुत दुखी होकर पेड़ की छांव में अकेला बैठा हुआ था, तभी वहां से धर्मु गुजरा। क्या हुआ सुरेश भाई? कुछ नहीं धर्मु भैया, माँ बहुत बीमार है और शहर में एडमिट है। मेरी बीवी उनके साथ वहीं है। फसल कटने वाली है इसलिए मैं नहीं जा सकता, वरना इलाज के लिए पैसा कहाँ से आएगा। मैं अपनी माँ के लिए एक पत्र लिखना चाहता हूँ, पर मैं कैसे लिखूं? मुझे लिखना पढ़ना तो आता नहीं है। अरे तो तुम परेशान क्यों हो? मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। रुको, मैं अभी वापस आता हूँ और तुम्हारा पत्र लिखवाता हूँ। इतना बोलकर धर्मु वहां से चला गया, क्योंकि उसे एक दो पत्र बहुत जल्दी में पहुंचाने थे। सुरेश वहीं पर बैठकर धर्मु डाकिया का इंतजार कर रहा था। कुछ ही समय में धर्मु वापस आ जाता है। अरे आप आ गए धर्मु भैया। हाँ चलो, अब मिलकर तुम्हारी माँ के लिए पत्र लिखते हैं। सुरेश ने साथ में अपनी माँ के लिए कुछ पैसे भी भेजे। सारा पत्र तो धर्मु डाकिया ने लिखा था, पर पत्र कहाँ भेजना है वो पता सुरेश ने लिखा था। ये लो भाई, तुम्हारा पत्र तैयार है और मैंने पैसे भी रख दिए हैं। 2-3 दिन के अंदर ये तुम्हारी माँ तक पहुँच जाएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उन्हें ये जल्द से जल्द मिल जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। फिर सभी अपना अपना काम करने लगे। पत्र को भेजते हुए अब एक हफ्ता हो गया था। एक दिन अचानक से सुरेश धर्मु के दफ्तर में आता है। वो बहुत गुस्से में लग रहा था। अरे क्या हुआ सुरेश, इतने गुस्से में क्यों हो? धर्मु भैया, मुझे पता चला है कि मेरी माँ का पत्र अभी तक नहीं पहुँच पाया। मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, आपने मुझे बेवकूफ बनाया। मैंने आप पर भरोसा करके पैसे दिए थे, आपने मुझे अनपढ़ गरीब के साथ ठीक नहीं किया। ये सुनकर धर्मु डाकिया दंग रह गया। अरे अब नहीं भैया, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। सुरेश धर्मु की आगे की बात सुने बिना ही अपनी आंसुओं को पोंछते हुए वहां से चला गया। अगले दिन गांव के सरपंच सुबह सुबह ही धर्मु डाकिया के घर पहुंच जाते हैं। अरे धर्मु, तुमने क्या किया भाई? हैं? हमारा इतने सालों का भरोसा तुमने तोड़ दिया, वो भी थोड़े से पैसे के लिए? क्या सरपंच जी, आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मैंने तो अपनी तरफ से पत्र आगे पहुंचा दिया था और ये भी कहा था कि इसे जल्दी से जल्दी पहुंचाना है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि आखिर हुआ क्या। तो फिर सुरेश की माँ का पत्र और पैसे कहाँ गए भैया? हैं? अगर तुमने कुछ नहीं किया तो? मुझे खुद भी नहीं पता कि आखिर हुआ क्या है, आप मुझे एक मौका दीजिए, मैं पता करता हूँ कि आखिर हुआ क्या है। हमें कुछ नहीं सुनना है, हाँ बस, तुम्हारी ये गलती माफ नहीं की जा सकती है। तुम्हें अब हम गांव में काम नहीं करने देंगे, हमें अब दूसरा डाकिया चाहिए। धर्मु सरपंच की बात सुनकर एकदम से दंग रह जाता है और कुछ भी नहीं बोल पाता। सरपंच वहां से
गुस्से में चले जाते हैं। आप तो जानते हैं ना प्रभु, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। न जाने मैं कैसे साबित करूंगा कि मैंने ये सब नहीं किया है। भैया जरा कुछ राशन दे दो। अरे जाओ जाओ, हम नहीं देते ऐसे धोखेबाजों को राशन। हमें माफ करो भैया। धर्मो ये बात सुनकर बहुत दुखी होता है। भैया मैं सालों से तुम्हारे यहाँ से ही राशन लेता आया हूँ, और आज तुम ऐसा कह रहे हो। अरे सालों से हमें तुम्हारा असली चेहरा भी तो नहीं दिखा था ना भैया। दिखा होता तो कभी अपनी दुकान पर खड़ा ही नहीं होने देते हम। हाँ दुकान वाले ने तो कुछ भी राशन नहीं दिया। दो दिन से काम पे भी नहीं गया हूँ। ऐसा चलता रहा तो भूखा ही मर जाऊंगा मैं। धर्मो बहुत घबरा जाता है। उसे कुछ भी नहीं समझ आता कि वो क्या करे। वो काफी देर तक सोचता रहता है कि ऐसा ना हो कि उसे गांव वाले जाने की धमकी दे दे। अपनी भूख शांत करने के लिए धर्मो पानी पीकर बिस्तर पर लेट जाता है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है, अब मैं क्या करूं। दूसरी तरफ सुरेश अपने सारे काम छोड़कर बस अपनी माँ के पत्र के बारे में सोच रहा था। न जाने माँ कैसी होगी, मेरी बीवी सब कैसे संभाल रही होगी। हमारे पास सब पैसे भी खत्म हो गए हैं, अब मैं क्या करूं अब। अरे तुम परेशान क्यों हो रहे हो, हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं ना। कुछ वक्त लग सकता है पर हम तुम्हारा पत्र और पैसा ढूंढ निकालेंगे भाई। इसी तरह दो दिन बीत गए। कोई उससे पहले की तरह बात नहीं करता था, मगर उसने अपने स्वाभिमान और सच्चाई के आगे हार नहीं मानी थी। वो हर रोज काम के लिए निकल रहा था। शीला बहन, लव, तुम्हें अपने बेटे को पत्र पहुंचाना होगा ना। नहीं बाबा, रहने दो, भगवान जाने पत्र पहुंचे कि नहीं। बहन तुमने भी मुझे ऐसी खरी खोटी सुना दी। अब तुम किसी गरीब का पैसा ऐसे मार के बैठोगे तो हम तुम्हारी आरती थोड़ी ना उतारेंगे। धर्मो अब तक सब कुछ चुपचाप सह रहा था, मगर शीला की ये कड़वी बातें उसके दिल पर लग गई। ठीक है बहन, मेरी ही कुछ भूल रही होगी, चलता हूँ। हाँ हाँ जाओ जाओ, तुम्हारे जैसे चोर चक्कों को यहाँ रोका भी किसने है, आए बड़े संत कहीं के। दो दिन बीत गए और धर्मो डाकिया अपने घर से बाहर भी नहीं निकला। सरपंच हमेशा की तरह सुबह सुबह पंचायत में बैठे थे, तभी सुरेश भागा भागा वहाँ आता है। अरे सुरेश, ऐसे क्यों भाग रहे हो भाई, क्या बात हो गई। सरपंच जी, हमसे बड़ी भूल हो गई। अरे अरे जरा सांस ले लो, फिर बताओ क्या हुआ। बहुत बड़ी भूल हो गई हमसे, धर्मो भैया बेकसूर हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया। मुझे मेरा पत्र और पैसे दोनों मिल गए हैं। क्या, ये क्या बात कर रहे हो तुम। सरपंच के साथ साथ वहाँ मौजूद सभी गाँव वाले ये सुनकर दंग रह जाते हैं। ठीक से बताओ क्या हुआ, कहाँ से मिल गया पत्र और पैसा भाई। सरपंच जी मुझसे बड़ी भूल हो गई, सारा पत्र तो धर्मो भैया ने लिखा था, मगर उस पर पता मैंने डाला था। मैं ठहरा अनपढ़ गवार, मैंने गलत सलत पता लिख दिया। डाकिया जब पत्र लेकर शहर गया तो वो पता नहीं मिला ही नहीं। एक हफ्ता इसलिए लग गया क्योंकि धर्मो भैया ने उसे कहा था कि पत्र पहुंचाना बहुत जरूरी है, तो वो शहर में उस पते को खोजता रहा। इतना ही नहीं, धर्मो भैया ने अपने पास से कुछ पैसे भी दिए थे मेरा पत्र जल्दी पहुंचाने के लिए। अरे अब तब तो हमसे बड़ी भूल हो गई है भैया, धर्मो को पहचानने में। वो दूसरा डाकिया जिससे धर्मो भैया ने पत्र भेजा था, वो आज ही मेरे पास आया और आके मुझे मेरा पत्र और पैसा लौटा के गया है। मैंने बड़ा पाप कर दिया सरपंच जी, धर्मो भैया पे शक करके। अरे तुम ही क्यों, हम सबसे भूल हुई है भैया, हमें चल के उससे माफी मांगनी चाहिए। फिर रमेश, सरपंच जी और गांव के कुछ लोग धर्मो के घर की तरफ चल पड़ते हैं। धर्मो दरवाजा खोलो भाई। धर्मो भैया मैं सुरेश, दरवाजा खोलिए, हमें आपसे बात करनी है। बहुत देर तक धर्मो का दरवाजा खटखटाने के बाद कोई भी बाहर नहीं आता। कहीं ऐसा तो नहीं कि धर्मो गांव छोड़कर कहीं चला गया भाई। अरे नहीं नहीं, दरवाजा अंदर से बंद है। तो कहीं ऐसा ना हो कि इतना सब सुनने के बाद उन्होंने कोई गलत कदम उठा लिया भाई।
अरे भाई ये सब क्या बोले जा रहे हो हैं? शुभ शुभ बोलो, चलो ये दरवाजा तोड़ते हैं। गांव वाले मिलकर दरवाजा तोड़ देते हैं। अंदर की हालत देखकर सब दंग रह जाते हैं। घर में जरा सा भी उजाला नहीं था, सारे खिड़की दरवाजे बंद थे। धर्मू डाकिया अपने पलंग पर बेहोश लेटा हुआ था। उसने इतना शोर सुनकर भी धीरे से आंखें खोली। अरे भैया, ये आपने अपना क्या हाल बना लिया है? मुझे माफ कर दो, मैंने आपकी ईमानदारी पर शक किया। आप सही थे, भूल मुझसे हुई। मुझे मेरे पत्र और पैसे वापस मिल गए। अच्छा हुआ भैया, अब माँ कैसी है? धर्मू की बात सुनकर सुरेश की आंखों में आंसू आ गए। उसने धर्मू की हथेली पकड़ ली और माफी मांगने लगा। धर्मू, तुमने अपना ये क्या हाल कर लिया है भाई? मैंने इतने साल इस गांव की सेवा करके बस विश्वास और मान सम्मान ही कमाया था। मैं उसे ऐसे टूटा हुआ देखकर खुद भी टूट गया, इसलिए मेरी ये हालत हो गई। अब हम सबको माफ कर दो धर्मू, हमें तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था, हमसे भूल हो गई भाई। कोई बात नहीं, मैंने आप सबको माफ कर दिया है, अब परेशान ना हो। और हाँ, मेरा एक काम जरा जल्दी से कर दो। कौन सा काम? मीरा दीदी है ना, जिनके पति फौज में है, देखो मैंने उधर उनके पति के नाम से एक पत्र लिख के रखा है, जरा उन तक पहुंचा दो। सब लोग धर्मों की बात सुनकर हैरान हो जाते हैं। तुम उनके पति के नाम से पत्र लिखकर क्यों भेजते हो? हाँ सरपंच जी, उनके पति को मरे हुए अब साल भर होने को आया है। अगर मैंने उन्हें ये सच बता दिया तो वो जीते जी मर जाएगी, इसलिए उनके पति के नाम के झूठे पत्र लिख देता हूँ। कम से कम इसी सहारे वो जिंदा तो रहेगी। धर्मों की बात सुनके सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब तुम बहुत अब महान आदमी हो धर्मों, हम एक बार फिर से तुमसे माफी मांगते हैं। और हाँ, तुम भी अब अपनी सेहत सही कर लो भाई, क्योंकि कल से तुम्हें ही फिर से सब पत्र पहुंचाने हैं, क्योंकि तुम ही हमारे गांव के नंबर वन डाकिया हो भाई। सरपंच की बात सुन धर्मों के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। जी जरूर। इसके बाद धर्मू पहले की तरह हर रोज खुशी खुशी गांव वालों की सेवा में लग जाता है।